दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, जैसे आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कुछ इस तरह का चीज़ सेल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको इनवॉइसिंग में और उसका सीरियल नंबर ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कतें जाती हैं कि हमें इनवॉइस बनाना है और सीरियल नंबर भी डालना है, फिर बाद में कस्टमर का हमें वारंटी कवर करना है। इंक्वायरी भी आती है कि यार हमें सीसीटीवी चाहिए या टीवी चाहिए या फ्रिज चाहिए, और उसके बाद वो इंक्वायरी चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्वायरी को मैनेज करना है, बिलिंग का क्या ऑप्शन है, चालान का क्या ऑप्शन है, एस्टीमेट का क्या है, कोटेशन है, जीएसटी रिपोर्ट है, आपका बिजनेस से रिलेटेड ए टू जेड सोल्यूशन इस सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। साथ ही आप इसमें स्टिकर, बारकोड प्रिंटिंग, कस्टमर को एसएमएस, कस्टमर को व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए हम एक क्रम से देखते हैं कि कैसे इस सॉफ्टवेयर में का उपयोग करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और कैसे इसमें वर्किंग होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम गौतम, आप देख रहे हैं डेटा हाउस टेक्नोलॉजी बिलिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हम लेके आते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड सॉल्यूशन और आप इनको डायरेक्टली यूज करके अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हो, इजी बना सकते हो और आपका जो बिजनेस है उसमें अच्छे तरीके से आसानी से आपके काम सारे हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है स्पीड प्लस 9। इसको आप जब ओपन करते हैं आपका ये ओपन हो जाता है, कंटिन्यू में क्लिक करके आप इसमें चालू कर लेंगे। यह है मल्टी कंपनी सॉफ्टवेयर। मल्टी कंपनी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मेरी दो फर्म, तीन फर्म है, तो वो सारी भी इसमें बना सकता हूँ, मुझे कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका अलग अलग सिटी पे या अलग अलग एक ही शहर पे अलग अलग ब्रांचेज हैं, मान लीजिए जैसे एक दुकान यहाँ पे है, दूसरी दुकान 20 किलोमीटर दूर है, तीसरी दुकान 30 किलोमीटर दूर है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को क्लाउड में लेके भी यूज कर सकते हैं। आपको क्लाउड में ऑनलाइन आपकी सारी दुकान या सारे गोडाउन एक साथ मैनेज रहेंगे, आपको हर गोडाउन का स्टॉक और अलग अलग सब कुछ दिखता रहेगा, तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी कि इसमें ऑटो बैकअप होता है, 7-लेयर बैकअप है, मतलब बैकअप ईमेल में भी जाए, आपका पेन ड्राइव में भी सेव रहे, आपके गूगल ड्राइव में भी सेव रहे या सिस्टम में भी दो तीन जगह सेव रहे कि कहीं से भी हमारा कुछ डेटा नुकसान ना होने पाए, हमारा डेटा सिक्योर रहे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे हमने सॉफ्टवेयर में जीएसटी पैचिंग का भी ऑप्शन दिया है कि आप जीएसटी नंबर डाल के सीधे इन्फॉर्मेशन को इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब इस सॉफ्टवेयर में अगर मुझे कस्टमर भी बनाना होगा तो मैं अगर जीएसटी नंबर डाल के, मैं भी दिखाऊंगा आपको आगे कैसे इसमें काम करते हैं, फटाफट हम पहले सब जल्दी से अपनी कंपनी का नाम बना लेते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है देखिए, अब ये हमारी कंपनी बन चुकी है, हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम अपने यूजर बना सकते हैं। अब आप चाहते होंगे कि मैं अपने ऑपरेटर के भी नाम बना सकूँ जिससे मैं उनको राइट दे सकूँ कि वो क्या क्या काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मतलब आप अपने ऑपरेटर बना सकते हो जिनको परमिशन नहीं रहेगी कि वो बिल डिलीट कर सकें या बिल को मॉडिफाई कर सकें। वो चाहे तो आप उनको परमिशन दे सकते हो कि सिर्फ तुम चालान बनाओ या सिर्फ तुम एस्टीमेट बना सकते हो या इनवॉइस बना सकते हो, उसको प्रिंट नहीं कर सकते, तो जो भी आप राइट देना चाहें दे सकते हैं। अभी मैं फिलहाल फुल राइट दे देता हूँ, सिंपल इसको सेव करते हैं। आपका यूजर नेम क्रिएट हो चुका है, बाय डिफॉल्ट मैंने 11 यूजर नेम रखा है कि आप इस पर लॉग इन कर लेंगे। ये लॉग इन करते ही आपका ओपन हो जाएगा। बहुत ही शानदार डैशबोर्ड है, आपको सारी चीज़ें एक बार में एक स्क्रीन पर दिखेंगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है हमारी, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ हमारे सीरियल नंबर भी रहते हैं और कुछ साइजेस भी रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आइटम पे जाता हूँ और अपना सीरियल नंबर की सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। सेटिंग में जाके मैंने सीरियल नंबर ऑन कर लिया। दूसरा कि मुझे क्या ऑन करना है कि मेरे
आइटम पे कुछ साइज रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ तो उसमें अगर मेरे कुछ टाइप रहते हैं तो मैं बना सकता हूँ, आप यहाँ पे साइजेस बना सकते हो अगर साइज कुछ रहते हैं या बैच रहते हैं, कुछ भी इस टाइप से वैरायटी रहती है तो उसमें टाइप बना सकते हो कि भाई ये किस टाइप का है। ओके, ये हमने आइटम का नाम बना लिया। अब इस तरीके से सेटिंग हमने कर दी है और हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम के नाम बनाएंगे। तो फटाफट मैं आइटम के नाम बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे आइटम का नाम बनाना है टीवी कलर टीवी मॉड 32 इंच, ठीक है। इस तरीके से मैं आइटम का नाम बना लूँगा। यहाँ पे इंच की जगह लोग, कई लोग इस तरह से टाइप करते हैं, ये भी कर सकते हो आप। अगर इसमें कंपनी का नाम भी लिखना चाहते हो आप तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, कि जैसे सैमसंग, और ये हो गया जीएसटी 18%, 18 डाल दिया हमने। यहाँ पे हम चाहते हैं कि कंपनी का जब हम रिपोर्ट बाद में देखें कि हमने कितनी सेल किया है तो ये भी हमें दिख जाए, तो हमने यहाँ पे सैमसंग डाल दिया। ग्रुप टीवी लिख रख लिया हमने। यहाँ पे प्लस का बटन रहता है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आइटम नेम वगैरह। और ये पीस हो गया यहाँ पे। अगर इस पे अलग अलग, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे 32 इंच है तो आप अलग अलग साइजेस मेंटेन करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना तो छोड़ दो उसको। परचेज प्राइस यहाँ पे आप डालना है तो डाल दीजिए, परचेज प्राइस डाल दीजिए 32 इंच हो गया। ये अलग से कॉलम अगर हमें दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ डाल देंगे। इन परचेज प्राइस अगर डालना है डालिए, सेल प्राइस, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो। जैसे मान लीजिए इसका 12,000 है, 12,000 हो गया, और ये 18,000 की मान लीजिए सेल होती है तो ये 18,000 डाल दिया। तो इस तरीके से आप सिंपल आइटम के नाम बना सकते हो, है ना। और ये बहुत सारे आइटम की इमेज, फोटो, ये सब भी लगा सकते हो। तो बहुत सारे आइटम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक्सेल में अगर आपके पास आइटम लिस्ट है तो उनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए आइटम नेम बन चुका है। अब हम आते हैं इसकी परचेज पे। तो हम जाएंगे क्या करेंगे, परचेज पे जाएंगे, न्यू में जाएंगे और इसकी परचेज एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेट आ जाती है, आपको जिस डेट में परचेज आई वो आप डाल दीजिए। कैश में आया तो कैश डाल दीजिए, क्रेडिट में आया तो क्रेडिट डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम पार्टी का नाम बना लेते हैं। पार्टी का नाम मतलब जहाँ से हमने माल खरीदा, मान लीजिए सुमन ट्रेडर्स के नाम से कोई पार्टी है, वो हमने नाम बना लिया, इंटर किया। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि अगर आप चाहते हो कि जीएसटी नंबर से मैं डालूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाए, तो हम वो भी करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम कोई जीएसटी नंबर ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं कोई जीएसटी नंबर निकाल लेता हूँ सॉफ्टवेयर से अपने। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आपके पास तो जीएसटी नंबर परचेज आएगी तो बिल आएगा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लीजिए मैंने अपने डेटाबेस से निकाला है, ये कोई एक जीएसटी नंबर है। तो आप अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। एक मैं उसमें पेज में 2-3 जीएसटी नंबर लिख लेता हूँ, जिससे मैं आपको डेमो दिखा सकूँ कि किसी तरह से इनकी एंट्री की जाती है। एक जीएसटी नंबर ये हो गया, और एक और ले लेते हैं, एक ये हो गया, ठीक है। तो हमने ये 2 जीएसटी नंबर ले लिए, और ले लेता हूँ कोई सभी, ये देखिए, ठीक है। तो ये 2-3 मैंने जीएसटी नंबर कॉपी कर लिए हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आप जीएसटी नंबर डालो तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, वो मैं उस चीज़ को आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए हाँ, तो हम वापस अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ये यहाँ पे आ गए हमने। अब ये हमारे पास मान लीजिए कोई पार्टी है जिसका जीएसटी नंबर ये वाला है, तो आप ये जीएसटी नंबर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे या टाइप कर दोगे, यहाँ पे प्लस में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये सर्वर चलेगा और यहाँ पे आपको ले जाएगा। और जीएसटी के पोर्टल से इन्फॉर्मेशन, जो भी उसका नाम होगा, सही नाम, सही स्पेलिंग, ऑटोमेटिक यह कॉपी करके आपके सॉफ्टवेयर में ऐड कर देगा। तो आपको मैन्युअली पार्टी बनाने के समय गलतियाँ नहीं होंगी। ये देखिए अपने आप सारी चीज़ें आ गई, आदि इनपुट की सब चीज़ें आ गई। मुझे ये एड्रेस एक साथ नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सेकेंड लाइन पर आए, तो मैं सेकेंड लाइन पर इसको कट करके आप पेस्ट कर देता हूँ। और अगर आप देख देख के एंट्री करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
और सिंपल हमने क्या किया, सेव कर लिया। तो ये हमारा एक मान लीजिए आदि इन्फोटेक के नाम से सप्लायर था, इंटर किया। ये हम मैनुअली भर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बट एक क्या है कि एक फैसिलिटी है कि आप सर्वर से इसको फैच कर सकते हो। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से कि आपका जहाँ कर्सर जा रहा है वहाँ आपका कलर येलो हो जा रहा है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लीजिए 4 पीस मंगाए हैं इनसे टीवी, अब टीवी के सीरियल नंबर भी मांग रहा है ये, तो आप स्कैनर से स्कैन कर करके अपने सीरियल नंबर भी इस पर डाल सकते हो, जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1, दो सीरियल नंबर ये हो गए 2 3 4 5 और 5 4 3 2, ये मैंने चारों सीरियल नंबर डाल दिए। परचेज प्राइस डाल दिया मैंने मान लीजिए 8,000 रुपये, और यहाँ पे अगर कुछ डिस्काउंट आए तो डिस्काउंट भी डाल दूंगा, तो ये मेरी परचेज चढ़ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया कि आइटम कैसे बनाना है, परचेज कैसे चढ़ाना है। अगर मुझे इस आइटम का स्टॉक देखना होगा तो सिंपल मैं स्टॉक रिपोर्ट में जाऊँगा, स्टॉक रिपोर्ट में क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो मुझे क्या दिखा देगा, स्टॉक कितना पीस है, 4 पीस है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सीरियल नंबर वाइज स्टॉक दिखाए तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट में देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे सीरियल नंबर रिपोर्ट में जाएंगे, सीरियल नंबर रजिस्टर में जाएंगे, तो आपको ये अवेलेबल सीरियल नंबर की रिपोर्ट भी दिखा देगा। देखिए ये एक डैमो है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी जो रिक्वायरमेंट है वह इस सॉफ्टवेयर में पूरी हो जाएगी, आपको अलग से कुछ भी इसमें ऐड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप कहोगे कुछ आपको कस्टमाइज़ करना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, हमने परचेज देख लिया, हमने आइटम देख लिया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हम इसकी सेल कैसे करेंगे। तो हम सेल के लिए जाएंगे न्यू पे, न्यू में क्लिक किया हमने, डेट आ जाएगी, कैश है क्रेडिट है वो सेलेक्ट कर लोगे। अब इसी तरह से देखो पार्टी का कस्टमर बोलता है मेरा ये जीएसटी नंबर है, तो आपको कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं है, मैंने सही जीएसटी नंबर बस डालेंगे, ऑटोमेटिक वो सर्वर से फैच कर लेगा और आपका ले आएगा, और आप मैनुअली इसमें भरना चाहते हो तो बैठ के भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी, है ना। इस ऐसा करने से क्या होगा, आपका जीएसटी नंबर गलत नहीं होगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होती है, तो ये एक फैसिलिटी रहती है कि ऑपरेटर ने नाम लिखना था सोनी इंटरप्राइज, उसने लिख दिया सोनी इंटरप्राइज तो किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया, तो ये दिक्कतें नहीं होती हैं, टाइम बचता है, एक्यूरेसी सही रहती है। ये देखिए अपने आप सब सारी चीज़ें आ गई, मतलब आपने सिंगल क्लिक भी नहीं किया, और ये मैं इसलिए हटा देता हूँ कि अननेसेसरी दो दो बार चीज़ें रखने का क्या यूज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम रख देते हैं, क्योंकि पिन कोड वगैरह तो सब कुछ भरा है तो हम एड्रेस पे क्यों डालेंगे। ठीक है, तो ये हमने डाल के सेव कर दिया, ये हमारा कस्टमर का नाम बन गया कि मुझे अग्रवाल प्लाईवुड को बेचना है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे आपका बिल नंबर, ऑटोमेटिक बिल नंबर ये बढ़ता जाएगा, आप बिल नंबर में सीक्वेंस बना सकते हो। आइटम अपना सेलेक्ट किया, देखिए स्टॉक भी यहाँ प्रॉपरली दिख रहा है कि 4 पीस स्टॉक है। यहाँ पे क्वांटिटी डाला मैंने 1 एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे F3 किया तो मुझे सीरियल नंबर भी दिखा देगा, मैं बार कोड से यहाँ स्कैन करके अपना सीरियल नंबर भी पिक कर सकता हूँ, मुझे मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, और टाइप करना टाइप भी कर सकते हो, तीनों ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया, इंटर किया, प्राइस मुझे 12,000 की जगह इसको देना है 12,500 में, तो मैं यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब वो फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंटर किया मैंने, यहाँ पे इंटर करने के बाद सिंपल सेव किया, सेव करते ही आपका ये बिल जो है जनरेट कर देगा, मतलब आप इस पर इनवॉइस निकाल सकोगे। प्रीव्यू करेंगे, हमारी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। अब इस इनवॉइस को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, यहाँ पे मुझे बैंक डिटेल चाहिए, जो जैसा आप चाहोगे हम आपके हिसाब से इसको सेट करके दे देंगे। ये एक हमने अभी डेमो के लिए इनवॉइस बनाया है कि आप डेमो देख पाओ कि इनवॉइस में है क्या चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। मैं अभी बहुत सारे मेरे पास फॉर्मेट हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए मैं देख लेते हैं फटाफट कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट है। तो ऐसे ढेरों सारे फॉर्मेट हैं जिन पे अलग अलग तरह से सेटिंग है, इसमें इस्टीमेट वगैरह भी निकाल सकते हो, आपकी मतलब कोटेशन वगैरह भी निकालना है तो वो भी सब निकल आता है। तो ये देखिए जैसे एक ये फॉर्मेट है जस्ट इनवॉइस A4, ये फॉर्मेट आपने काफ़ी देखा होगा, देखिए ये हो गया, यहाँ पे बैंक डिटेल आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, नीचे आपका ये सब ग्रैंड टोटल आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, ये चीज़ें हो गई। इसी प्रकार से दूसरा मैं दिखा देता हूँ, हाफ पेज में चाहोगे हाफ पेज में मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेगी। ठीक है, आपको कस्टमाइजेशन या रिक्वायरमेंट आपकी पूरी फुलफिल हो जानी है इस पर। ये देखिए मतलब फॉर्मेट मेरे पास है, जैसा आप चाहिए वैसा मिल जाएगा आपको फॉर्मेट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया कि फॉर्मेट में हमें कोई टेंशन नहीं होनी है। अब हम आते हैं कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग, तो हमने बिल बनाया तो आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। आउटस्टैंडिंग में टिक किया, ओके किया मैंने, ये देखिए दिखा रहा है अग्रवाल प्लाईवुड का 14,750 रुपये बाकी है। अब अगर हम यहाँ से SMS भेजना चाहें तो SMS भेज सकते हैं, WhatsApp भेज सकते हैं, ठीक है। पेवल में क्लिक करेंगे तो हमारा पेवल दिखा देगा, मतलब हमें कितना देना है वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि आदि इन्फोटेक को हमें 37,000 देने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर सर्च करूँ कि मुझे कौन सा मेरा सीरियल नंबर है, कौन सा बिका है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप इस पर डाल के, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 मेरा सीरियल नंबर किसको बिका, क्या बिका, तो वो देखिए दिखा रहा है कि आदि इन्फोटेक से आया था यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये देख लेते हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं सारे सीरियल नंबर कि जो बिका भी होगा वो भी आपको दिख जाएगा। और ये देखिए ये 4321 वाले को हमने क्या किया था कि आदि से खरीदा है और अग्रवाल को सेल किया, तो ये भी यहाँ पे डिटेल दिख रही है। अगर इसी के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो बिल भी खोल के दिखा देगा, मतलब आप कभी भी अपने सीरियल नंबर को चेक कर पाओगे कि आपका यह सीरियल नंबर कब सेल हुआ और कब इसको हमने बेचा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हम इस पे परचेज कैसे चढ़ाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं, सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं और सीरियल नंबर कैसे ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट बाकी के हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे हम पार्टी को पेमेंट कैसे करेंगे और उसका चेक प्रिंट कैसे करेंगे, साथ ही आप पेमेंट की रिसीविंग लेते हैं कस्टमर से तो वो कैसे करेंगे और रिसीविंग का प्रिंट कैसे देंगे, और जो पेमेंट आई है वो हमारे मल्टीपल पेमेंट हो सकती है कि फ़ोन पे भी आया है या कैश आया है, तो उसका लेजर कैसे बनाएंगे जिससे हमें बाद में पता चल सके कि कितना किसका पैसा कौन से अकाउंट में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, साथ ही अगले वीडियो अगले क्रम में, इसी क्रम में हम इसकी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, आपकी पूरी अकाउंटिंग और पूरी परचेज, साथ में स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक कैसे करेक्ट करना है और आपके प्रमोशन के क्या ऑप्शन है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके बिजनेस के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट है आपको अगर, तो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। थैंक यू।